दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सरदना नगर के थाने का ये दृश्य है। यहाँ पर दिवाली के त्यौहार के विषय में ये एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिकों को बुलाया गया है। इसमें सभी समुदाय के लोगों को, खास तौर से जो जिम्मेदार लोग हैं नगर के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बुलाया गया है। और ये मीटिंग रखी गई है इसलिए कि दिवाली का त्यौहार पे किसी तरह का कोई भी अप्रिय घटना ना हो और आपसी सौहार्द के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ दीपावली के पर्व को मनाएं और ये मोहब्बत का संदेश पूरे नगर में फैलाएं और एक दूसरे से मिलकर के किसी तरह की कोई, अगर कहीं किसी कोई दिक्कत आती है तो प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन ने सब लोगों को इसलिए बुलाया है, अगर कहीं कोई अप्रिय घटना घटती है तो प्रशासन उसके लिए तैयार है। आइए इस बारे में वहाँ के क्षेत्राधिकारी, सर्किल ऑफिसर ने जो बताया, आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे संवाददाता ने ये पूरी कवरेज की है। और नगर में आजकल जो अर्थव्यवस्था की मंदी का असर क्या है, दुकानदारों का जो माल है वो कम बिक रहा है, इस बारे में भी हम दिखाएंगे। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। बुलाई जाती है और आगामी त्यौहारों से पहले ये मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग उपस्थित हुए थे और सबसे छोटी मोटी समस्याओं के बारे में, शासन प्रशासन के से प्राप्त निर्देशों के बारे में और बाकी अगर पुलिसिंग के रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसके बारे में जानकारी ली गई। और सभी ने फुल एश्योरेंस का, शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने का एश्योरेंस दिया है और मैं आप सबके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को दिवाली और सभी त्यौहारों की शुभकामनाएं देता हूँ। थाना पुलिस के स्तर पर कई पार्टियां बना दी गई हैं जो चेकिंग और भ्रमण में रहेगी, भ्रमणशील रही, लगातार भ्रमणशील रहकर सभी संवेदनशील स्थानों पर, बाज़ारों पर और बाकी ऐसे निर्जन निर्जन स्थानों पर जहाँ भी ऐसी कोई किसी के साथ कोई वारदात ना हो जाए, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। रामलीला मैदान में लगाए गए दिवाली मेले में जो ये स्टॉल लगाए गए हैं, देख रहे हैं आप, दुकानदार खाली बैठे हैं और यहाँ पर ग्राहकों की बहुत कमी है। और इसी तरह से नगर के अन्य स्थानों पर भी जो दुकानदार हैं वो ज़्यादातर, इतनी ज़्यादा दुकानदारी नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि जैसे अन्य साल के मुकाबले इस साल जो है कारोबार बहुत मंदा है और इस मंदी की वजह से दुकानदार काफ़ी परेशान हैं। मेले में जो दुकानें लगाई गई हैं ये दीपावली मेले में, उनका खर्चा निकलना भी मुश्किल है। नगर में भी ऐसी ही स्थिति है। व्यापार ठीक है, कम है, अच्छा ज़्यादा है? बस नॉर्मली है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, पहले से नहीं कम है, है। ज़्यादा है? लगभग 20% कम है। क्या कहोगे सैमसंग के बारे में? सैमसंग अच्छे ब्रांड है। नहीं, कम क्यों है, क्या मतलब, ऐसा क्या हुआ? बस थोड़ा ऑनलाइन का प्रभाव है सेल तो पे। इसलिए जो मतलब ऑनलाइन पर ज़्यादा है, हाँ जी, स्टॉल पर कम है। हाँ जी, ठीक है। बाकी तो कस्टमर को बहुत कम है ऑनलाइन। कुछ नया ऑफर दिवाली के लिए सैमसंग का? सैमसंग का ऑफर चल रहा है क्या? नई सीरीज आई है, सीरीज A30S, A10। छूट क्या है? A10 पे छूट आई है अभी 500 रुपये की, बस। और पहले 95 रुपये था, 9000 रुपये का हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप